हेलो एवरीवन, मैं आभा, आपकी गार्डनर दोस्त। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज संडे है, संडे रूफटॉप गार्डन ओवरव्यू। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, लगभग हमारे यहाँ टेम्परेचर 46 अबव पहुँच जा रहा है। तो ऐसे में अपने प्लांट की केयर कैसे करनी है और आपका जो प्लांट है कैसे सर्वाइव करेगा, उस बारे पर मैं आपको दिखाने वाली हूँ और साथ ही साथ संडे गार्डन ओवरव्यू दिखाऊँगी। और इतनी गर्मी, देखिए दोपहर के 10 बज रहे हैं। और तो चलते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरे रूफटॉप गार्डन में ये लोटस पॉट की ओर, जो कि फूलों से लदा हुआ है। बहुत सुंदर, देखिए इसमें फ्लावरिंग हो रखी है, पिंक और येलो कलर के मॉस रोज है। 9 o'clock, बहुत ही प्यारे हैं। और इस साइड देखिए, इधर बोगनविलिया है जो कि फुल ब्लूमिंग पर है। ये देखिए, ये पिंक वाला। और ये इधर देखिए, पर्सलिन का है प्लांट, इसमें पिंक कलर के फ्लावर आते हैं। और कुछ मॉस रोज के कलर हैं जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही प्यारे प्यारे कलर हैं। और इधर सारे बोगनविलिया हैं जो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और इस साइड आएंगे तो ये मेरे मोंगरा के प्लांट हैं, ये देखिए। और धूप इतनी ज़्यादा है ना, और उस साइड से मैंने कवर करके नहीं रखा है, इतनी ज़्यादा गर्म हवाएं आती है कि ये पूरे सारे प्लांट को, देखिए फ्लावर को जला देती है। और देखिए, ये बर्ड्स की भी कमी नहीं है इस प्लांट पर। और इस साइड आएंगे तो देसी सदाबहार। अब चलते हैं मेरे एक्वा गार्डन की ओर। जो मेरे पास 7 से 8 एक्वा प्लांट है उसका अपडेट देती हूँ मैं। तो ये फर्स्ट नंबर पर देखिए वाटर लिली है, जिसका ग्रोथ बहुत अच्छा है। और ये सेकंड वाला है, ये थाम्बो वैराइटी का लोटस है और बहुत बिग साइज़ के 1000 पेटल के इसमें फ्लावर आते हैं। तो संडे गार्डन का फर्स्ट टिप ये था कि अगर आप कोई भी हाइब्रिड वैराइटी के लोटस ग्रो करते हैं ना, तो लगभग उसे इस तरीके के बड़े से पॉट में दीजिए। ये सबसे मिनिमम पॉट है, आप इससे भी बड़े पॉट का यूज़ करिए, उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा होता है, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। और इस प्लांट को रिपोर्ट किए हुए मुझे 20 डेज ही हुए हैं, और 20 डेज में देखिए इसका जो रिज़ल्ट है बहुत ही अच्छा है। हालांकि जो इसके जो सॉइल है ना, ये तालाब का सॉइल है, हमारे यहाँ जो तालाब है ना वहाँ खुदाई हो रही है, तो वहाँ से मैंने ये सॉइल मंगाया हुआ था। और इसका देखिए 20 दिन में ही रिज़ल्ट, इतनी सुंदर इसका रिज़ल्ट आया है। और पेटल्स भी मैं आपको पास से जाके दिखाती हूँ। ये देखिए इसके पेटल्स हैं, बहुत बिग साइज़ के इसके पेटल्स आते हैं। और एक चीज़ आपको और दिखाती हूँ, ये देखिए इसमें बर्ड्स भी बनी हुई है, छोटा सा बर्ड्स है। इसके फ्लावरिंग मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अगर आप मेरी वीडियो डेली वॉच करते होंगे तो पिछले साल की वीडियो में मैं देखिएगा मेरा इसका जो फ्लावर का साइज़ है। उसके बाद फिर थर्ड नंबर पर ये देखिए येलो पियोनी है। तो इसे मुझे रिपोर्ट करे हुए 15 डेज हुए हैं, 25 डेज और इसे 15 डेज, और दोनों का रिज़ल्ट देखिए। ये भी हाइब्रिड वैरायटी है, 3 से 4 देखिए इसमें छोटे छोटे फीसेस हैं, बेबी फीसेस दिए हैं। और इसमें भी एक बहुत सुंदर, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें भी 2 बर्ड्स आई हुई है। ये देखिए विजुअल है, 1 और ये नीचे वाला 2, तो 2 बर्ड्स आ चुकी है इसमें भी। और सभी में मैंने 10 से 15 दिन पहले ड्राई फर्टिलाइज़र दिया हुआ था, तो ये उसी का कमाल है। और 2 से 3 बार मैंने इसमें फर्टिलाइज़र दिया लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, अब इसका सीज़न आते जा रहा है तो ये बहुत अच्छे से ग्रो है। और इस साइड देखिए, मैं इस टब को पूरा क्लीन किया है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा काई थी। अगर आप एक्वा गार्डन करते हैं तो ये काई का आना तो कंपलसरी है, क्योंकि जो वाटर है ना और उसमें फर्टिलाइज़र जो मिट्टी होती है, वो सनलाइट के रिएक्शन में आने के बाद काई तो करेगी ही, ये स्वाभाविक सी क्रिया है। तो इस तरीके से देखिए, इसका वाटर हो गया था, इसे मुझे क्लीन करना है, तो आज मैंने इसे साफ किया है। और इस साइड आएंगे तो देखिए ये वैरायटी भी बहुत ही प्यारी है, और मैं चलिए आपको इसको भी दिखाती हूँ उठा के। टब इन ट्रब मेथड से मैंने इसे लगाया था, हार्डी वैरायटी है ये, और इसके उठा के दिखाती हूँ मैं टब को। ये देखिए इसमें बर्ड्स भी आई हैं, और येलो और या फिर वाइट कलर का है, मुझे नहीं पता, मैंने इसके फ्लावर कभी नहीं देखे हैं पुत्राक्ष बस वैरायटी को छोड़कर। तो ये देखिए इसमें फ्लावरिंग चालू होने वाली है। और पिंक क्लाउड और अखिला की कंडीशन ठीक नहीं है, सारे लीव्स बर्न हो गए हैं इसके। और ये वाला जो पॉट है ना, ये वाला, ये देखिए इसमें बहुत सुंदर फ्लावरिंग हुई है, और इसकी स्टोरी मैं जल्दी से बताती हूँ। सॉरी, तो ये देखिए इसे भी मैंने टब इन टब मेथड से लगाया है, और इसमें एक मैंने हार्डी वैरायटी लगाई हुई थी और 2 मेरे पास ट्रॉपिकल वैरायटी के छोटे छोटे राइजोम रखे हुए थे, तो मैंने इसमें गलती से इसमें डाल दिया था कि देखते हैं ग्रो होगा कि नहीं। तो ये देखिए
जो मेरा मेन प्लांट है ना, ये देखिए हार्डी और जो ट्रॉपिकल होते हैं उसके लीव्स में डिफरेंस क्या होता है ये देखिए। ये जो ऐसे है ये ट्रॉपिकल है और ये वाले हार्डी हैं। तो देखिए ये दोनों के लीव्स हैं, तो मैंने उसमें ये देखिए छोटा सा ये लगा दिया था। और ये देखिए ये प्लांट बहुत सुंदर फ्लावरिंग हुई है इसमें। और ऐसे उठा के मैं आपको दिखाती हूँ, टब इन टब मेथड है ये। इसमें तीन प्लांट लगे हुए हैं फ्रेंड्स, और ये देखिए इसमें भी बड्स बनी हुई है। और जो मैंने इसमें पहले से लगा के रखा हुआ था लगभग 2 मंथ से, वो तो फ्लावरिंग नहीं हुआ, हार्डी था, लेकिन जो मैंने इसमें ट्रॉपिकल मतलब ट्यूबर को फेंक दिया था उसमें देखिए फ्लावरिंग हो चुकी है। और इसके मेरे पास 3 प्लांट हो गए हैं। तो ये देखिए इसे मुझे बहुत जल्दी सेपरेट करनी है। और उधर देखिए ब्लू विसल है, इसके भी फ्लावर देखिए बर्न हो रहे हैं। और सेंटर पर मैं वहाँ पहुँच नहीं पास से नहीं पा रही हूँ आपको, उसमें भी बर्ड्स आ गई है। और एक छोटा सा मैंने स्टैंड में लगाया हुआ है, और इसमें भी देखिए बहुत छोटे से फ्लावरिंग हुई है। तो पॉट भी डिपेंड करता है, अगर आप छोटा इसे पॉट देंगे तो फ्लावरिंग भी छोटी होगी, इसलिए आप लगभग ये वाला जो पॉट है ना उस पॉट का सर्वेक्षण करिए। और एक वैरायटी मैं आपको और दिखाती हूँ, ये है स्वीट एंजल। और इसे जो फ्लावर होते हैं ना बहुत प्यारे होते हैं, और मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें भी बर्ड्स बन गई है, बहुत ही प्यारी देखिए बर्ड्स बनी हुई है। तो जब भी ये ब्लूम होंगे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम रहेगा इसको देखना। और इस साइड मेरा अडेनियम का सेशन है जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ पर है। फुल वाटरिंग करना है अभी, अब प्लांट को बिल्कुल गर्मी से बचा के रखना है। तो मैंने सेकेंड नंबर टिप मैं आपको दे रही हूँ कि वाटरिंग करने का जो सबसे बेस्ट अभी समय है ना, टाइम है, वो मैं लगभग 8 से 9 बजे के बीच में करती हूँ। क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा होती है ना कि हमारे जो पॉट होते हैं ना वो इतने गर्म होते हैं, इतने ज़्यादा गर्म होते हैं। अगर आप उसमें 4 से 5 के बीच में अगर इवनिंग में पानी डाल देना तो जो आपके जितने भी फाइबरस रूट है ना वो पूरा बॉयल हो जाएंगे। ऐसी गलती मेरे से भी हुई है, यहाँ पे जो रखे हुए थे प्लांट, तो इंसान गलती करके ही संभलता है। और मेरे साथ जो एक्सपीरियंस होता है गार्डन में मैं आपसे शेयर करती ही रहती हूँ ताकि आपके भी प्लांट बच जाएं। तो गलती मेरे से हुई है और ये गलती आप ना दोहराएं, इसलिए वाटरिंग जो है रात के 8 बजे के बाद करें, सबसे फ्री समय होता है, खासकर हाउसवाइफ के लिए, क्योंकि दिन भर बच्चे घर को संभालना, इस सब से 8 बजे के बाद मतलब हाउसवाइफ लोग फ्री हो जाते हैं। तो साथ में जो रात का वॉक भी हो जाएगा आपके छत में, वाटरिंग भी हो जाएगी और पौधे को अच्छे से वाटर, तो देखिए रात को आप उससे अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए। और मॉर्निंग के समय सारे जो जितने भी प्लांट है उसे मैं मिस्ट कर देती हूँ, रात की वाटरिंग और मॉर्निंग में इसे मिस्ट कर दीजिए, तो जो प्लांट होते हैं वो अच्छे से सर्वाइव कर लेंगे आपके। और ऐसा नहीं है कि मेरे अडेनियम जो प्लांट है उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, बहुत सारे बर्ड्स बने हुए हैं, लेकिन जो बर्ड्स हैं ना वो बिल्कुल बर्न होके टूट जा रहे हैं। तो ये देखिए इसमें पूरे बंचेस में फ्लावर मतलब बर्ड्स आए थे, लेकिन बर्ड्स जो है ना पूरे सूख सूख के झड़ जा रहे हैं। और ये वाली वैरायटी देखिए इस तरीके से बर्ड्स हो जा रही है मेरी। और इधर आएंगे तो ये देखिए अडेनियम का येलो वैरायटी है, और ये देखिए इस तरीके से मेरे अडेनियम प्लांट चल रहे हैं। और इधर आएंगे तो ये मेरे सारे ट्रॉपिकल हिबिस्कस हैं, जिसमें भी देखिए बहुत सुंदर बर्ड्स बनी हुई हैं, प्लांट भी बहुत अच्छे हैं। ये देखिए ये अमेरिकन हिबिस्कस है, लेकिन फ्लावरिंग मतलब बर्ड्स बनते हैं लेकिन खुल नहीं पा रहे हैं गर्मी के नाम से, और ये शाम तक ये बर्न होके नीचे गिर जाएंगे, फ्लावरिंग नहीं देंगे, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है अभी। और इधर सारे मेरे अडेनियम हैं जो मैंने क्राफ्ट किए थे और कुछ बाय किए हुए थे, मेरी फ्रेंड से लिए थे मैंने एक्सचेंज में। और इधर मेरे देसी हिबिस्कस हैं जिसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। और ये देखिए ये मेरा गैलेक्सी वाटर लिली है, जिसमें कि बहुत सुंदर देखिए फ्लावरिंग भी हो रही है। और ये देखिए फ्लावर इस कदर देखिए हो जा रहे हैं गर्मी से। और ये वाला मेरा अमेरिकन हिबिस्कस है, देखिए इसमें भी बर्ड्स बने हुए हैं लेकिन फ्लावरिंग नहीं होगी, शाम तक ये जो बर्ड्स हैं ना वो गिर जाएंगे, बहुत ज़्यादा है। और ऐसा नहीं है कि गार्डन में आपसे कोई निगेटिविटी ना हो, एक प्लांट मेरा बिल्कुल चल बसा लेंटाना हिबिस्कस का, जो मैंने इस ग्रो बैग में लगाया हुआ था, सारा प्लांट 5 फुट का खड़े खड़े ही एक दिन में पूरा सूख गया, इतनी ज़्यादा गर्मी थी।
और देखते हैं इसे बचा पाते हैं कि नहीं। इसे मैंने फुल ट्रिम कर दिया है इस प्लांट को। और इस साइड देखिए मेरे सारे पेंटास के प्लांट हैं और अडेनियम की कुछ सीडलिंग रखी हुई है। और इधर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी, ये देखिए सारे मेरी अडेनियम की सीडलिंग रखी हुई है। थाईलैंड वैरायटी के ये जो है सीड ग्रोन प्लांट है और ये ओबेसम है। और इस साइड देखिए ये अरेबिकम के सीड मैंने ग्रो किए हैं। और कुछ इधर अडेनियम की देसी वैरायटी की ओबेसम सीडलिंग है जो कि गर्मी से बहुत ही ज़्यादा इसमें स्लो ग्रोथ हो रही है। कोई बात नहीं है, टेम्परेचर हाई है, थोड़ा जब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा तो ये सीड बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। तो अब ये थर्ड नंबर टिप मैं आपसे कंसल्ट करना चाहूँगी। ये देखिए कुछ प्लांट मैंने अडेनियम के यहाँ रख दिए हैं और आपके मन में सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्यों रखे हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो मेरे अडेनियम के प्लांट हैं ना, उसके कोडेक्स सिकुड़ गए थे। और कैसे सिकुड़ते हैं ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला जो प्लांट है देखिए, इसका कोडेक्स आपको सिकुड़ा हुआ दिख रहा है, इसे कल ही मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। और ये प्लांट है, इसके भी कोडेक्स सिकुड़ चुके थे। और देखिए प्लांट मेरा बहुत जल्दी रिकवर हो गया, लगभग 3 डेज में। और ये वाला जो प्लांट है इसमें भी थोड़ा सा बचा हुआ है। तो ये टिप है, अगर आपके कोडेक्स अडेनियम के सिकुड़ गए हैं तो आप अपने प्लांट को ऐसी जगह रख दें जहाँ पर पानी का बहाव हमेशा रहे। जैसे यहाँ पे मैं हमेशा वाटरिंग करती हूँ, ओवरफ्लो होता है और ये जो पानी हमेशा इधर से गुजरता है, तो उससे क्या होगा, आपके जो लगातार पानी मिलते रहने से आपके जो कोडेक्स हैं ना वो फूल जाएंगे। लेकिन ऐसा सिर्फ आप समर में ही करिएगा, रेनी सीजन और विंटर में ना करें। तो ये मेरा गार्डन का थर्ड नंबर का टिप था। और ये देखिए एक प्लांट मेरा और पूरा बर्न हो गया, और हनीमून हिबिस्कस बोला जाता है। बहुत सुंदर इसके फ्लावर होते हैं, बहुत पीक साइज़ के। तो ये भी देखिए रखे रखे झुलस गया और इसमें मैंने कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया डाला था। और ये देखिए गर्मी का ही प्रकोप है इसका, तो इस तरीके से। तो फ्रेंड्स मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, मेरा फोर्थ नंबर का टिप ये रहेगा, लास्ट टिप है कि अपने गार्डन में अगर आप गार्डनर हैं, अगर गार्डनर नहीं भी हैं तो आप अपने गार्डन में कम से कम अपने घर पे 1 से 2 प्लांट लाएं। इतनी ज़्यादा मतलब गर्मी है ना कि पूरा हमारा वेदर चेंज हो गया है। अगर इसी तरीके से रहा तो अब नेक्स्ट सीजन में इससे भी ज़्यादा गर्मियाँ पड़ेगी और फिर इंसान सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए 1 से 2 प्लांट ज़रूर लाएं अपने घर में, और तभी लाएं जब उसका केयर कर सके। ये नहीं कि आप ला के उसको छोड़ दिए प्लांट मर जाए। तो अगर आप केयर नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल भी ना लाएं प्लांट, और अगर आप केयर कर सकते हैं तो प्लांट लाइए, कम से कम 1 ही 2 लाएं। और मैं मतलब श्योर बोलूँगी, जब आप 1 से 2 प्लांट अपने घर पर लाते हैं ना, तो आप उस प्लांट से आपको लगाव हो जाएगा, और लगाव होने के साथ साथ आप ज़रूर आगे और भी प्लांट लाएंगे। मेरी तरह, मैं भी ऐसी ही थी, मुझे भी उतना इंटरेस्ट नहीं था। ये लगभग मेरे 3 साल का है जो मैंने इतना सारा कलेक्शन किया अपने गार्डन में, और इतने सारे प्लांट हो गए हैं आज मेरे, लगभग 500 होंगे, और कुछ मेरे बालकनी में भी है। और इस सही से तरीके से देखिए मेरे कुछ हैंगिंग बास्केट रेडी किए हुए हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। और चलते हैं अब मेरे बालकनी गार्डन की ओर। और बालकनी में मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने कुछ रेयर वेराइटी के अडेनियम के प्लांट बाई किए हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत सुंदर सुंदर कलर हैं। और इधर मेरे सारे कुछ देसी अडेनियम की सीडलिंग है जो मैंने रिपोर्ट करी हुई है। मेरे से इमरजेंसी था इसलिए मैंने रिपोर्ट किया, क्योंकि ये जो रूटी स्टॉक है मैंने ऑनलाइन मंगाए हुए थे। और कुछ प्लांट मैंने ग्राफ्ट किए थे जिसमें से 5 प्लांट सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि देखिए ये वाला ब्रांच पूरा गल गया और ये वाला सक्सेस हो गया है। तो अभी कोई आप ग्राफ्टिंग भी ना करें, और ना ही कोई नर्सरी से, लास्ट नंबर का टिप है, ना ही अपने नर्सरी से कोई प्लांट लाएं। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो चलिए चलते हैं अपने गार्डन में, बालकनी गार्डन के ऊपर चलते हैं। जो मैं अपने नए प्लांट मैंने बाय किए हैं उसमें मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाऊँगी और दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे सीढ़ी से मेरे बालकनी गार्डन का ओवरव्यू है। तो इस तरीके से देखिए, ये वो प्लांट है जिसे मैंने मंगवाए हैं, लगभग 35 अराउंड हो गए ये प्लांट। और चलिए मैं आपको नीचे जाके दिखाती हूँ कि कैसे मैंने प्लांट को अरेंज किया है बालकनी में। और इस तरीके से देखिए मैंने ग्रीन नेट लगाया है ताकि यहाँ से सनलाइट ना आ सके, क्योंकि मेरे इधर पे देखिए सारे इनडोर प्लांट रखे हुए हैं। तो और इधर जो रेलिंग है ना, इसमें सारे मॉस रोज रखे हुए हैं। और चलिए मैं आपके पास से दिखाती हूँ कि क्या क्या प्लांट है मेरे पास।
और ये देखिए वॉल पर इस तरीके से इंडोर प्लांट लगे हुए हैं, और सारे जो रोजेज हैं ना, ऊपर स्पेस की कमी थी इसलिए सारे रोजेज को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया है, और इसे बहुत जल्दी मैं नया घर देने वाली हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से अभी जहाँ जहाँ जैसे जैसे अरेंज हो रहा है मेरे से वैसे वैसे मैंने किया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारे विंका के प्लांट है और ये कोलियस, और इस तरीके से देखिए प्लांट मेरा बहुत सुंदर बूशी हो चुका है, और ये सिंगोनियम की वैरायटी है। और इस साइड हम चलेंगे, देखिए इस साइड देखिए मैंने सारे रोजेस को रख दिया है और बहुत सुंदर फ्लावरिंग भी हुई है देखिए। और इस साइड देखिए ऐसे मैंने सारे रोजेस, रोज की कंडीशन ठीक नहीं है ये देखिए, और सारे लीव्स मतलब इंसेक्टीसाइड का अटैक हुआ है इसमें, तो इसे मुझे ट्रिमिंग भी करने हैं। और इधर आगे जाएंगे तो ये देखिए सारे रोजेस हैं ये देखिए, और ऊपर से सारे मॉस रोज के प्लांट हैं, पर्सलिन है, और ये देखिए रोजेस की कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है फ्रेंड्स, ये देखिए सारे फ्लावर बर्न हो गए हैं, और कुछ देखिए लीव्स में इंसेक्टीसाइड का अटैक हो गया है। और इस साइड में अपने ये दिखाती हूँ, सर्कुलेंट का सेशन है, इतने ही प्लांट मैं अभी समर में बचा पाई, मेरे सर्कुलेंट प्लांट जितने भी थे, तो पास से दिखाती हूँ मैं आपको, जो जो बहुत हार्डी हैं वो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो दो बास्केट मैंने बनाया था, तो ये देखिए फर्स्ट वाला और ये सेकेंड है, और इस साइड इस तरीके से, और आज ये प्लांट भी गया लग रहा है, क्रेसुला कैमली क्रेसुला का प्लांट था, जेट वेरिकेटेड जेट प्लांट था, ये भी गया आज। और ये सब कमाल ना मेरे यहाँ इस मेहमान का है, ये देखिए ये हमेशा यहाँ पे आती है, और आने के बाद सारे भी सॉइल को देखिए इसमें इसने पोटी किया है, क्योंकि तो दिख रहा है मुझे यहाँ पे उसी की कब्रिस्तानी है, और इतनी मेहनत के बावजूद भी इतने क्या कहना क्या बोलूँ मैं, सब मेरे पास शब्द नहीं है इनके लिए। तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी से मैं आपको अपने जितने मतलब अडेनियम मैंने जो बाय किए हैं वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए सबसे पहले तो मैं अपने क्रीपिंग चार्ली की कंडीशन दिखाती हूँ, पूरे जो इसके स्टेम देखिए बर्न हो गए हैं, जबकि यहाँ पे ग्रीन नेट लगी हुई है, तो भी से देखिए इसके जो लीव्स हैं वो बिल्कुल बर्न हो गए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जब रेनी सीज़न आएगा तो मैं इसे ट्रिम कर दूँगी, और ट्रिम करने के बाद फिर मैं ये अपनी पूर्वावस्था में आ जाएंगे। और चलिए ये देखिए फ्रेंड्स मैं दिखाती हूँ, ये मेरे सारे अडेनियम हैं, ग्राफ्टेड है और रेयर कलर हैं, बहुत सुंदर इसके कलर हैं, मैं इसका अलग से सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ। और प्लांट की कंडीशन जब ये मेरे पास आए ना तो इसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब थी, क्योंकि ये ट्रांजिशन में ये जो प्लांट है देहरादून चल दिए, रॉन्ग साइड चल दिए थे, तो मुझे कम से कम 10 से 15 दिन लग गया इस प्लांट को। और इतनी ज़्यादा तेज़ गर्मी है ना कि आप अभी कोई भी प्लांट ना मंगाएं, क्योंकि ये मेरा 20-25 दिन पहले का ऑर्डर था, जिन उन्होंने बहुत लेट कर दिया डिस्पैच करने में। तो देखते हैं, एक प्लांट जो है ना वो पूरा रूट रॉट हो गया, तो उन्होंने कहा है कि जो भी प्लांट डैमेज होंगे वो मुझे रिटर्न कर देंगे। और एक पास से दिखाती हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, और ये देखिए, तो इस तरीके से देखिए मैंने 6 इंच के पॉट में इसे रिपॉट किया है, और सभी में एडी लगा हुआ है ये देखिए, और इस तरीके से मैंने इसमें नेम टैग भी कर दिया है। और 6 इंच के पॉट में मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि थोड़े से एक्सपेंसिव प्लांट है, और अभी रेनी सीज़न आने वाला है तो नीचे अच्छे से ड्रेनेज होल होना चाहिए था। और इस तरीके से ऊपर से कट करके मैंने फंगीसाइड लगा दिया है, और इस प्लांट को मैं जो है रिपोर्ट करने और इसके जो फाइब्रस रूट को कट करने, मतलब इतने डैमेज अवस्था में पहुँचे थे कि मुझे इससे बहुत मेहनत लगा। और इस तरीके से देखिए इसके ऊपर की जो टिप है ना वो बिल्कुल सूख जा रही है, तो देखते हैं इसमें से जो जो प्लांट मतलब अगर डेड हो जाते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला है कि जो जो प्लांट सर्वाइव नहीं करेंगे वो प्लांट मुझे रिटर्न कर देंगे, आप वेट कर लीजिए 1 वीक के बाद। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसे बालकनी पर ही शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि ऊपर स्पेस नहीं है और इतनी ज़्यादा तपिश है, 47 टेम्परेचर हो गया है हमारे यहाँ, तो ये प्लांट को मैं लगभग 15 दिनों के लिए यही एरिया में रखूँगी, ताकि ये इसमें ठंडकता बने रहे
और मुझे इसमें हल्की सी अगर ग्रोथ नज़र आई तो फिर मैं इसे टेरिस पर एक नया घर देने मतलब दे दूँगी इस तरीके से। और ये देखिए, ये हमारे यहाँ जो कैट है ना, उसकी मम्मी है। ये तो बदमाशी नहीं करती, लेकिन इसकी जो बच्ची है वो देखिए उधर इतनी बदमाशी ही करती है ना, क्या बताएं। और इस साइड देखिए, मेरे जो सारे रूट स्टॉक हैं, इसे भी मैंने मंगाया था इनके साथ, तो ये कम से कम 15 रूट स्टॉक है। तो इस रूट स्टॉक को भी मैंने कम से कम 15 है ये, तो इसकी जो पॉटिंग मीडिया है मैंने थोड़ा अलग बनाई थी, तो इसे मैंने इधर से कर दिया है। और इस साइड मेरे सारे इंडोर प्लांट रखे हुए हैं, ये देखिए। और इनकी भी कंडीशन अभी गर्मी में बहुत ही ख़राब है। और इस प्रकार से तो इसकी जो सॉइल है, देखिए मैंने 2 टाइप से सॉइल बनाई हुई है। तो फर्स्ट ये देखिए, राइस हस्क की मात्रा मैंने इसमें ज़्यादा इसलिए करी है क्योंकि आगे रेनी सीज़न है, कोकोपीट में फंगस लगने की प्रॉब्लम आ जाती है, तो मैंने राइस हस्क का ज़्यादा यूज़ किया है। और इस तरीके से देखिए, पॉटिंग मीडिया है, ये देसी वेराइटी ओबेसम है। और ये वाला जो है ना, ये सारे ग्राफ्टेड है, सिंगल पेटल है। तो इसके जो कलर कोड है मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो बस फ्रेंड्स, इतना ही बताना था। और तो ये मेरा संडे गार्डन ओवरव्यू आपको कैसे लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर अगर बने रहने के लिए अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय। और इतनी भीषण गर्मी है तो आप भी सुरक्षित रहें, अपने परिवार को भी सुरक्षित करें। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी संडे।